यहाँ पर कलमी और लाल साग है, और थोड़ा सा तुरई है, 3 टमाटर है, और अरबी है, और मतलब बीन्स भी है। तो क्योंकि ये सब्जी हमारे यहाँ आज बनता है नहा खा के दिन, सुबह में ये ही खाया जाता है। और ये मरुआ का आटा है, क्योंकि ये मरुआ का रोटी और वो जो मिक्स सब्जी बनाया है वो मतलब खाया जाता है। तो इसमें बिना लहसुन प्याज की ये सब्जी है, सिर्फ इसमें मतलब जो पंचफोरन होता है वही डाल करके और ये सब्जी बनाई जाती है। ये देखिए, पहले मैं अरबी को फ्राई कर ली ताकि इसमें थोड़ा लसलसापन आ जाता है ना, इसलिए जब फ्राई कर लो ना तो ये लसलसापन जो इसमें होता है ना, चिपचिपापन, वो नहीं आता है। तो इसलिए मैं पहले अरबी को फ्राई कर ले रही हूँ यहाँ पर, ये देख रहे हैं। और ये सब्जी का मतलब विधि होता है, ये नियम होता है, तो ये सब्जी हमारे यहाँ बनना ही बनना है। और देखिए इसमें बस ये सिंपल सी मतलब सब्जी है, बस लाल मिर्च और थोड़ा सा मिर्च पाउडर और हल्दी वगैरह यही सब डाल करके मतलब बनाया जाता है, और टमाटर थोड़ा मतलब ज़्यादा डाला जाता है। लेकिन ये इतनी यम्मी टेस्टी और मतलब डिलीशियस सब्जी बना था ना कि मत पूछिए, बिना लहसुन और बिना प्याज की ये सब्जी। और देखिए ये मतलब इसमें थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला मैं लास्ट में डालती हूँ थोड़ा सा, तो मतलब फ्लेवर जो होता है ना थोड़ा अच्छा लगता है और टेस्ट भी अलग थोड़ा हो जाता है इसका। बस I got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me. And he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time, all the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs, so I can't get enough. Think about him all the time. I can't get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him now, 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 now. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it bright. और आज हमारे यहाँ बहुत ही यमी यमी डिश बनता है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं गुजिया की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 कप सूजी ले लिया है और घी में उसको फ्राई कर ली हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गुजिया थोड़ा सा फ्राई कर लो ना सूजी को। यहाँ पर मैं सूजी का ही मतलब बना रही हूँ, उसमें नारियल डाल करके और ड्राई फ्रूट्स डाल करके, क्योंकि मावा में लिमिटेड दूध था तो मैंने मावा बनाया नहीं, इसलिए मैंने मतलब ऐसे ही सिंपल गुजिया बना रही हूँ। तो देखिए मैंने सब मिक्स कर दिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और नारियल ज़्यादा मात्रा में मैंने लिया था, नारियल का जो बूरा होता है ना वो, और देखिए सबको मिक्स कर दी मैं यहाँ पर। ये भी बहुत यमी लगता है। और यहाँ पर आप सिर्फ कोकोनट का भी बना सकते हैं, जैसे कोकोनट सूजी और ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके भी बना सकते हैं, अपनी अपनी मतलब चॉइस होती है। और सिर्फ मावा वाला तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। और ये देखिए मैं यहाँ पर जो क्या बोलते हैं खस्ता बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 2-3 कप आटा लिया है, थोड़ा सा सूजी ली हूँ, और 1 चम्मच के करीब मतलब नमक लिया है मैंने, और इसमें घी डाला है और चीनी डाला है, और सबको अच्छे से मतलब, और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मैंने डाला था इसमें फ्लेवर के लिए, और सबको अच्छे से मिक्स करके, और इसका डो जो बनाना है ना वो बिल्कुल टाइट गूंथना है। ये देखिए बिल्कुल मतलब टाइट गूंथना है, ताकि ये एक प्रकार का बिस्किट ही है आटे का, और अच्छा लगता है ये देखिए, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए। ये देखिए डो बिल्कुल हमारा बन करके यहाँ पर रेडी हो गया, बिल्कुल इसी तरह का डो होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो बना है ये, और ये खाने में बहुत यमी लगता है। और यहाँ पर गुजिया का मैं आटा लगा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 2-3 कप मैदा लिया है, क्योंकि गुजिया जो है वो मैदे में ही बनता है, अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला था, और बस ऐसे ही मतलब उसका डो तैयार कर लिया था गूंथ करके। इसका भी डो मतलब टाइट ही गूंथा जाता है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो ठेकुआ बोलते हैं ना हमारे यहाँ खस्ता, वो देखिए बन रहा है, सभी कोई मिल करके बना रहा है। और ये गुजिया की मैं रोटी बेल रही हूँ, मतलब थोड़ा पतला पतला, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए इसकी रोटी, और ना ज़्यादा मतलब मोटा होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम साइज में मतलब थिकनेस इसकी होनी चाहिए, तभी गुजिया जो होता है ना वो परफेक्ट बनता है। देखिए मैं बना रही हूँ अभी, आपको दिखाऊंगी, देखिए इतना ही मतलब होना चाहिए, तभी जा करके थोड़ा अच्छा बनता है गुजिया। देख लीजिए
ताकि देखिए गुजिया में थोड़ा बस घी डालने से क्या होता है ना कि गुजिया जो होता है वो खस्टा होता है, मतलब क्रिपने जो क्रिस्पीनेस होता है ना वो आती है। ये देखिए अब बैटर डाल करके इसको बस भर देना है, इसको स्टफिंग मैंने डाल दिया यहाँ पर, और चारों तरफ पानी लगाना है ताकि मतलब ये गुजिया जो है हमारा वो फटे नहीं। पानी लगाने से ये होता है ना कि अच्छे से मतलब बंद हो जाता है गुजिया और बिल्कुल ये फटता नहीं है, तेल में डालो तो ये चिपक जा मतलब फटता नहीं है। ये देखिए चारों तरफ मैं इसमें पानी लगा दिया, ये देखिए, और जो बाकी जो लेफ्ट बच गया ना ये इसके रोटी के जो, उसको मैं ऐसे निकाल लेना है, और बस हमारा यहाँ पर गुजिया जो है बन करके रेडी हो गया। ये देखिए परफेक्ट, ये दूसरी गुजिया बन रही है, देख लीजिए ऐसे ही गुजिया, मतलब उतना टफ भी नहीं है गुजिया, इजी मेथड है बनाना, बस इसका डो जो है ना वो सही होना चाहिए तभी गुजिया जो होता है ना वो परफेक्ट मतलब बनता है। नहीं तो ये तेल में डालो ना, अगर थोड़ा लूज हो जाता है तो तेल में डालो तो ये फट जाता है और फिर क्या होता है बर्बादी तेल की। और ये मैं मालपुआ बना रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि मालपुआ का बैटर मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, ये मैंने क्लिप आपको दिखाया नहीं क्योंकि इसकी जो रेसिपी जो है वो मैं पहले ही आप पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रेसिपी का मतलब आपको शेयर नहीं की हूँ। मालपुआ पिछले वाले वीडियो में है, आप चाहें तो देख सकते हैं वो पिछला वाला वीडियो। वेलकम बैक टू द चैनल, और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी के सभी अच्छे हों। और आज मैं ये साड़ी वाड़ी पहनी हूँ क्योंकि आज स्पेशल डे है, क्योंकि आज मतलब स्पेशल डे क्या मतलब, जैसे कि आज त्योहार है जो हमारे यहाँ मतलब होता है बच्चों के लिए स्पेशली, ये त्योहार मतलब होता है किया जाता है, फास्टिंग की जाती है इसमें, जीतिया बोलते हैं जिसको, और इसमें मतलब जैसे कि इस त्योहार में ज़्यादातर जैसे कल मतलब एक दिन पहले बहुत कुछ बनाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं और वो भी बच्चों बच्चों के लिए ही बनाए जाते हैं और उसी को मतलब खाया जाता है और भगवान के लिए भी अलग से मतलब रखा जाता है निकाल करके। जब आप बनाते हो तो उसी में से थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़, जितने भी आइटम्स आप बना रहे हैं उन सभी में से थोड़ा थोड़ा करके मतलब निकाल ली जाती है और भगवान के लिए मतलब रखी जाती है। और रात के टाइम में मतलब जो हम निकालते हैं, मतलब जो हम बनाए हुए हैं, जो जितने भी हम मतलब पकवान जो बनाते हैं वो सब में से जो निकाले हुए जो होते हैं ना वो रात को, आधी रात को मतलब जब सर्गी करते हैं ना उसके बाद वो भगवान को मतलब अर्पण किया जाता है। तो वही आज दूसरा दिन है, नेक्स्ट डे है, तो आज जीतिया है और आज हमारा फास्ट है। तो ये बिल्कुल मतलब ऐसा फास्ट होता है ना कि ना तो इसमें आप फ्रूट्स खा सकते हो और ना ही इसमें पानी पीना है, बिल्कुल मतलब ये निर्जला व्रत है एक प्रकार से का बिल्कुल निर्जला ही है। इसमें ना आप को कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं, पानी वानी कुछ भी नहीं, बिल्कुल जब सुबह में मतलब जब पारण होता है बस उसी वक्त आपको पारण करना है और जो भी विधि विधान से ही ये पारण वारण होता है उसी अनुसार से ही आपको करना है इसमें। तो वही आज फास्ट था, तो अभी तो इसमें कथा वगैरह भी सुना जाता है पर देखते हैं कथा कहाँ, सब लेडीज लोग जो बिहार की है ना वो मतलब ज़्यादातर ये व्रत बिहार में ही होता है, तो देखते हैं सब लेडीज इकट्ठा होंगी उसके बाद जो कथा होगा तो उसके बाद ही आपसे मिलिए। देखिए इसको जीतिया बोलते हैं, ये देखिए ये जीतिया है, इसको ना पूजा अभी कथा वगैरह सुन लेंगे उसके बाद इसको मतलब गले में पहना जाता है और बच्चे को भी पहनाया जाता है और एक धागा वाला भी होता है। एक मिनट में धागा वाला भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये जो धागा वाला जो है ना पहले तो मिल जाता था लेकिन इस बार इतने मुश्किल से मिले है ना कि मत पूछिए, मैं आपको दिखा। ये देखिए ये धागा वाला होता है, इसकी मतलब विधि होती है, इसको भी पहना जाता है और इसको भी पहना जाता है, लेकिन क्या है ना कि पूजा करने के बाद में पहना जाएगा और पहले बच्चों को पहनाया जाएगा फिर ये मैं अपने गले में पहनूंगी, तो जो नियम है वो तो करना पड़ेगा ना भाई। ये मैं खुद बनाई हूँ, ये धागा मिल गया था लेकिन हमारे तरफ क्या है ना कि जितिया सुंदर सुंदर जैसे सुंदर सुंदर जितिया मिलता है पर यहाँ मिला नहीं, धागा मिला
तो इस धागा को ही मैं ऐसे ही गांठ लगा कर जैसे आया मैंने वैसे बना दिया। Boys, they're handsome and strong, but always the first to tell me I'm wrong. Boys try to tame me, I know, they tell me I'm weird and won't let it go. No, I'm fine, I'm lying on the floor again. Crack door, I always wanna let you in, even after all of this shit I'm... So guys, finally मेरा पूजा उजा सारा संपन्न हुआ, पूजा उजा करके सब आ गई। ज्यादा लेडीज नहीं थी, मंदिर में ही गए हुए थे, हमारी जो यूनिट मंदिर है उसी में गए हुए थे, और चार पांच लेडीज थी, पंडित जी तो थे नहीं, तो हम लोग आपस में ही वो जो जो कहानी होती है ना भगवान की जो कथा होती है वो हम लोग आपस में ही हम लोगों ने सब एक एक करके कथा कही, और वैसे ही पूजा नॉर्मल जैसे होता है वैसे तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ पूजा के नाम पे थोड़ा बहुत हुआ, और बस पूजा संपन्न हुआ और हम लोग आ गए। अभी विधि व्यवहार सारा पूर्ण हुआ। वहां से आने के बाद में मंदिर से इतना मतलब थकान महसूस हो रहा है ना कि मत पूछिए, बहुत थक गई जैसे लग रहा है, और हल्का हल्का इतने देर से तो फील नहीं हो रहा था, लेकिन गर्मी है ना आज बहुत ज्यादा गर्मी है। देखिए बारिश जिस दिन होना चाहिए उस दिन तो बारिश हुई नहीं, और इतना ज्यादा गर्मी फील हो रहा है, और गर्मी के कारण प्यास अंदर से हल्का हल्का पानी के बगैर इंसान थोड़ा जिंदा रह सकता है, खाना तो फील नहीं होता लेकिन पानी तो भाई चाहिए, और क्या करें पानी पीना तो है नहीं, कैसे किसी भी तरह मतलब रहना ही पड़ेगा, रात भर काटना ही पड़ेगा। और सब व्रत में तो है कि आप खा पी सकते हो, फ्रूट्स पानी पी सकते हो, पर ये तो ऐसा व्रत है ना कि ना तो इसमें खाना है ना पीना है, बहुत टफ होता है यार, एकदम निर्जला व्रत बहुत मुश्किल होता है, पर हम क्या कर सकते हैं। चलो आधी दिन तो पूरा हुआ, रात बाकी है, रात भी हो ही जाएगा, और भी बहुत गर्मी लग रही है। अब जा रही साड़ी को चेंज करने, हैबिट छूट गई ना साड़ी, बाहर में रहो तो देखिए बहुत गंदा लगता है सूट वाला, पर क्या करूं यार, अब साड़ी को चेंज करूंगी और एकदम नाइटी डालूंगी, तब जाकर एकदम फ्रेशनेस आएगा। Cause a princess doesn't cry, a princess doesn't cry, over monsters in the night, don't waste our precious time, my boy. आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा जरूर, और यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू माई फ्रेंड्स, बाय। Just a title or a comic going viral, there's more to me.